Hello students, in this video I'm going to explain exercise of chapter 10, that's the banyan tree, and it is for the students of class 6th. So students, मेरा आपसे ये वादा है कि हम इस chapter की exercise को बहुत अच्छी ढंग से समझेंगे और करेंगे. So you just watch this video till end, my dear students. So dear students, this is first exercise. इन दिस वी हैव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. कुछ सेंटेंसेज गिवन है बेटा, हमें इसे कम्प्लीट करना है. द ओल्ड बैनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंड फादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज. ये जो बैनियन ट्री है ये दादाजी का नहीं है. अब दादाजी का नहीं है, अब ये बच्चे का है. क्यों? क्योंकि बेटा दादाजी जो हैं वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, अब वो पेड़ में चढ़ नहीं सकते, इंजॉय नहीं कर सकते. और अब जो ये लड़का है, ये पेड़ इसका इसलिए है क्योंकि अब इस पेड़ के माध्यम से ये इंजॉय कर सकता है, पेड़ में चढ़ सकता है, वहां बैठ के मजे कर सकता है. तो आप यू विल फील इट गिव्स द बॉय एंडलेस प्लेजर. ये जो ट्री है ये बच्चे को बहुत सारा मजा देता है, बच्चा यहां पे बहुत इंजॉय करता है. जो बेटा ये वर्ड है प्लेजर, ये प्लीज वर्ड से बना है एंड दिस इज नाउन. प्लेजर वर्ड प्लीज वर्ड से बना है एंड दिस इज नाउन. द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम फ्रेंडली व्हेन. जो ग्रे कलर की गिलहरी थी वो फ्रेंडली कब बनी? जब ही नोटिस दैट आई वॉज फ्रेंडली टू हिम. जब स्क्विरल ने, गिलहरी ने ये महसूस किया कि मैं उसके लिए खतरनाक नहीं हूँ और मैं भी उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, तब वो गिलहरी मेरे साथ फ्रेंडली बनी. सो ही नोटिस दैट आई वॉज फ्रेंडली टू हिम. When the boy started to bring him pieces of cake and biscuits, the squirrel, जब बच्चे ने, इस लड़के ने squirrel के लिए केक और बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े लाने स्टार्ट किए, तो squirrel ने क्या किया? The squirrel became bold and started taking morsel from his hands. HANDS. तो जो स्क्विरल थी वो बोल्ड बनी, वो अब नहीं डरती थी इस लड़के से क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि ये जो बॉय है ये इसका फ्रेंड है. और मॉर्सल होता है बेटा निवाला, जिसे हम हिंदी में निवाला कहते हैं ना, खाने का निवाला. तो निवाले के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मॉर्सल, MORSEL. तो उसके बाद गिलहरी इतने ज़्यादा बोल्ड हो गई कि वो लड़के के हाथ से खाने के टुकड़े उठाने लगी. HANDS, हैंड्स. In the spring, the banyan tree was full of red figs and various birds would come there. जब spring ऋतु आती थी, मतलब वसंत ऋतु आती थी, तो जो banyan tree है वो लाल रंग के figs से भर जाता था. figs एक प्रकार का fruit है बेटा जो banyan tree में लगता होगा. और उसको खाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़िया उस पेड़ में आती थी. was full of red figs and various birds would come there. The banyan tree served the boy as a living room and library. जो banyan tree था वो बच्चे के लिए living room के जैसे भी काम करता था और library के जैसे भी काम करता था. क्योंकि जो बच्चा था वो यहाँ पे बैठ के, इसकी टहनियों में बैठ के enjoy करता था और यहाँ पर बैठ के books भी पढ़ता था. The young boy spent his afternoon in the tree enjoying nature and reading books. जो ये लड़का था ये afternoon में, दोपहर में पेड़ में बैठ के क्या करता था? Enjoy करता था nature को, प्रकृति को देखता था, फूलों को देखता था, पेड़ पौधों को देखता था और वहाँ बैठ के मज़े से किताबें भी पढ़ता था. सो आप लिखेंगे enjoying nature and reading books. सो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज बी. इसमें हमें मंगूस की क्वालिटीज़ वी हैव टू राइट डाउन एंड वी हैव टू राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ कोबरा ऑल्सो. हमें मंगूस के गुण लिखने हैं और कोबरा के भी गुण लिखने हैं. सो वील बिगिन विद द मंगूस. मंगूस की क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है ग्रिम, GRIM, ग्रिम. ग्रिम का मतलब होता है गंभीर. कुछ व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव गंभीर होता है, वो हर बात को सोच समझ के करते हैं. सो उन लोगों को हम गंभीर कहेंगे या ग्रिम कहेंगे. सेकेंडली फियरलेस. मंगूस कैसा था? निडर था, वो फियरलेस था, उसको कोई डर नहीं लगता था, वो बिना डर के सांप के साथ फाइटिंग भी कर सकता था. वाइस. मंगूस कैसा था? वाइस, चतुर. वो बहुत चतुर था और चालाकी से सांप के साथ फाइटिंग करता है. बेटा जो ये मंगूज होते हैं ये बहुत वाइस होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत सीरियस होते हैं और बहुत निडर होते हैं. तो आप इन क्वालिटीज़ को लर्न कीजिए. अब हम कोबरा की बात करते हैं. विल टॉक अबाउट कोबरा. सो कोबरा का क्वालिटी कैसा है? परसुएसिव. परसुएसिव क्या होता है स्टूडेंट्स? रजामंद करना. जैसे आप अपने मम्मी पापा को कहते हो, मम्मी प्लीज़ मैं इतना अच्छा काम करूँगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखूँगा, तो आप मुझे चॉकलेट दिलाओगे?
अगर आपके अंदर ये गुण है, इसका मतलब आप पर्सुएसिव हैं, आपको रजामंद करना आता है, आपको खुश करना आता है, आपको मनाना आता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप उसके लिए करेंगे पर्सुएसिव, रजामंद करने वाला व्यक्ति। सेकेंडली कोबरा कैसा है? डिफेंसिव। डिफेंसिव क्या होता है? जो अपने आप को खतरों से बचा सकता है उस इंसान को हम कहते हैं डिफेंसिव। अपने आप को परेशानियों से बचाना, डिफेंड करना, सो आत्मरक्षा करने वाला व्यक्ति डिफेंसिव। तो जो कोबरा है वो डिफेंसिव है, वो अपने आप को नेवले से बचाने के लिए फाइट कर रहा है। फियरफुल, फियरफुल होता है भयभीत। अब वैसे तो बेटा कोबरा फियरफुल नहीं होता, बट अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो यहाँ पर जब कोबरे का सामना मंगूस से होता है तो उसके कहीं ना कहीं दिल में डर होता है कि हमेशा जो ये मंगूस है, हम कोबरा लोगों को, हम कोबरा सांपों को, मंगूस से हमेशा डर रहता है, क्योंकि मंगूस हमारा कत्ल कर देते हैं, वो हमें मार देते हैं। सो इस प्रकार आप क्वालिटीज़ लिखेंगे मंगूस की और कोबरा की। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज बी का दिस इज थर्ड क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मैच इट। हमें ये बताया गया है कि स्नेक क्या करता है, और स्नेक जब कुछ करता है तो मंगूज उसके अगेंस्ट क्या वर्क करता है। तो हमें इन कॉलम्स को मैच भी करना है एक्शन वाइज, और उसके बाद हम इनको प्रॉपरली अरेंज भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, चलिए हम आपको साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्नेक कोशिश करता है, स्नेक ट्राई टू मेसमराइज द मंगूस। मेसमराइज होता है मंत्रमुग्ध करना, तो स्नेक क्या करता है, मंगूस को मेसमराइज करता है, मंत्रमुग्ध करता है। लेकिन मंगूस बहुत चालाक है, मंगूस क्या करेगा, रेफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक्स आईज। लेकिन मंगूस क्या करता है, वो सांप की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सांप की आंखों में देखेगा तो वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा, इसीलिए वो सांप की आंखों में नहीं देखता है। सेकंड क्या होता है, सांप क्या करेगा, स्ट्रक ऑन द साइड दैट द मंगूस प्रिटेंड टू अटैक। अब सांप क्या करेगा, मंगूस को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में फिर मंगूस क्या करता है बेटा, प्रिटेंड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड। और मंगूस भी प्रिटेंड होता दिखावा करना, मंगूस भी दिखावा करता है स्नेक को अटैक करने का। उसके बाद क्या होता है, स्नेक स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड। अब स्नेक क्या करता है, दोबारा मंगूस के ऊपर हमला करता है। स्नेक क्या करता है, दोबारा मंगूस के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हमला मिस हो जाता है, वो मंगूस को अटैक नहीं कर पाता। तो उसके बदले में मंगूस क्या करता है, जब सांप मंगूस के ऊपर अटैक करता है उसके बाद मंगूस एकदम से किनारे हो जाता है और जंप करके सांप के बैक में उसको काट देता है। स्प्रैंग होता है एकदम से उछलना, एकदम से उछलते हुए जंप करके किनारे हो जाता है मंगूस, और जंप करता है और उसके बाद सांप को बैक में काट देता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्नेक है उसने कौवे को देखा, तो वो कौवे को काटने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रक द क्रो। तो स्नेक ने क्या किया, कौवे को काटने की कोशिश की, उसी समय फिर मंगूस ने क्या किया, डार्टेड अवे, बिट द कोबरा ऑन द बैक। उसी समय मंगूस ने एकदम से आया, डार्ट होता है एकदम से चकमा दे के आना, सो डार्टेड अवे मतलब चकमा दे के एकदम से आया सांप के पास। जब सांप क्रो को काटने की कोशिश कर रहा था उस समय मंगूस ने कोबरा को पीछे से काटा। अब इसके बाद क्या होगा, अब स्नेक को काटा है मंगूस ने, वो जख्मी हो चुका है, तो स्नेक ने अपने आप को क्वाइल करना शुरू किया। क्वाइल का मतलब होता है मोड़ना। स्नेक ने अपने आप को क्वाइल करना शुरू किया मंगूस के चारों तरफ। अब वो कोशिश कर रहा है कि वो मंगूस को हराए, मंगूस को अटैक करे, लेकिन मंगूस क्या करता है, मंगूस करता है, मंगूस जो होता है नेवला, वो अपने स्नाउट, स्नाउट होता है थूथन। अब आपको थूथन भी नहीं आता होगा, तो स्नाउट होता है नेवले का जो माउथ और जो नोज़ वाला एरिया है। स्नाउट मीन्स माउथ या नोज़ वाला जो एरिया, उसको हम स्नाउट कहते हैं। तो फिर नेवले ने क्या किया, अपने स्नाउट के मदद से सांप को पकड़ लिया, ग्रैब्ड मतलब पकड़ लिया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, अब जब मंगूस ने सांप को अपने मुँह से, अपने स्नाउट से पकड़ लिया, तो फिर क्या होगा, तो स्नेक जो है अब वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। सीज का मतलब स्टॉप, अब वो स्ट्रगल करना नहीं कर रहा है, स्ट्रगल करने वो स्टॉप हो गया। जो सांप है वो जख्मी है, अब सांप जो है वो मंगूस के मुंह के अंदर है, तो स्नेक ने स्ट्रगल करना सीज कर दिया, सीज का मतलब स्टॉप कर दिया। तो जब से सांप ने स्ट्रगल करना स्टॉप कर दिया, तो अब मंगूस क्या करेगा, मंगूस ने सांप को ड्रैग किया, ड्रैग का मतलब घसीटना,
ड्रैग का मतलब घसीटना। तो मंगूस ने सांप को घसीटा और झाड़ियों के अंदर लेके गया। सो इस प्रकार बेटे आप इस मैचिट को सीरियल वाइज लिखिएगा और इस तरीके से इनको मैच कीजिएगा। सो नाउ दिस इज़ वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें हमें एक वर्ड होता है राउंड। एक्चुअली राउंड का मतलब शेप होता है, जैसे स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगल, तो ये शेप होता है। लेकिन हमारे चैप्टर में राउंड का मतलब है फेस, PHASE, फेस या लेग। लेकिन फेस या लेग का यहाँ पे मतलब है चरण। जैसे मान लीजिए इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में फर्स्ट फेस क्या है, फर्स्ट चरण क्या है कि हमें अपना नाम लिखवाना है, सेकंड चरण क्या है हमें अपनी पब्लिसिटी करनी है। तो चरण का मतलब यहाँ पे फेस या लेग है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनका और भी कुछ मतलब होता है। तो हम इन वर्ड्स को लिखेंगे। आगे पैसेज गिवन है, उस पैसेज को पढ़ के मैंने ये वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। और ये वर्ड्स हैं लीव्स। लीव्स का मतलब पत्ते भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीव्स का मतलब है निकलना, जैसे घर से काम के लिए निकलना। माई फादर लीव्स फॉर ऑफिस एट 7 AM। तो लीव्स मतलब निकलना। ब्रांच, शाखा। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसकी 4 ब्रांचेज हैं, उसकी 4 शाखाएं हैं। कोई बैंक है, उसके किसी एरिया में कितनी शाखा है, कितनी ब्रांचेज हैं उसकी, तो यहाँ पे मतलब होता है शाखा, ब्रांच। फ्रूट, यहाँ पे फ्रूट का मतलब है मेहनत का फल। तो वेन एवर यू डू हार्ड वर्क द फ्रूट ऑफ दैट हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज स्वीट। तो यहाँ पे फ्रूट का मतलब है मेहनत का फल। रूट, रूट वैसे जड़ होता है, लेकिन यहाँ पे रूट का मतलब है समस्या की जड़, किसी भी चीज़ की जड़, समस्या की जड़। हमारे भारत में जो अपराध होते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज है पॉवर्टी। द रूट कॉज ऑफ ऑल द वायलेंस इन इंडिया इज पॉवर्टी। तो समस्या की जड़ क्या है कि गरीबी। बार्क, भौंकना। तो आप लोगों को पता है जो डॉग है वो बार्क करता है, डॉग बार्क, भौंकना। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू प्लांट ऑल्सो एंड अदर मीनिंग्स आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। सो स्टूडेंट दिस इज एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 136। एंड इन दिस फ्यू वर्ड्स आर गिवन टू अस, डाइव्ड, ग्लाइडिंग, स्प्रैंग, डार्टिंग, विफ्ट बैक एंड ड्वेल्विंग। हमें इन वर्ड्स को बेटा वी हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स इन द फिलअप्स गिवन बिलो। हम इन वर्ड्स को फिल करते हैं और समझते हैं। व्हेन ही बिगैन टू ट्रस्ट मी द स्क्विरल बिगैन डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स फॉर मॉर्सल्स ऑफ केक। जब स्क्विरल ने मुझे मेरे पर यकीन करना शुरू किया, तो स्क्विरल ने खोजना शुरू किया। यहाँ पे डेल्विंग का मतलब है खोजना शुरू किया, मेरे जेब में खाने के निवाले, केक के निवाले। I saw a cobra gliding out of a clump of cactus. मैंने कोबरा को कैक्टस की झाड़ियों से रेंगते हुए देखा, है ना। सो ग्लाइडिंग का मतलब यहाँ पे रेंगना है। द स्नेक हिस्ड हिज फॉर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट। यहाँ पे डार्टिंग का मतलब है तेजी से, जैसे सांप होता है वो तेजी से अपनी जीभ को अंदर बाहर करता है, सो डार्टिंग। When cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. जब कोबरा ने मंगूस को काटने की कोशिश की, तो नेवला एकदम से उछल के किनारे हो गया। तो यहाँ पे sprang का मतलब है उछलना। The snake whipped his head back to strike at the crow. सांप ने, यहाँ पे whipped का मतलब है टकराना या मारना। तो जब स्नेक दोबारा टकराया नेवले से, जब स्नेक दोबारा टकराया क्रो से, तो फिर क्या हुआ। द स्नेक विप्ड हिज हेड बैक टू स्ट्राइक द क्रो। स्नेक ने अपने हेड से कोशिश की टक्कर मारने की क्रो को, कव्वे को। द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। और जब बर्ड्स को लगा, माइना और दिस क्रो, ये बर्ड्स इस चैप्टर में मेंशन है, उनको लगा कि उन लोगों ने क्या किया, उन दोनों बर्ड्स ने सांप के ऊपर झपट्टा मारा। यहाँ पे डाइव का मतलब है झपट्टा मारना। सो आई होप यहाँ पर जो इन वर्ड्स का मतलब है, यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड्स एज पर दीज फिलअप्स। दिस इज़ एक्सरसाइज सी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स को फिलअप करना है, और जो ये वर्ड्स हैं तीनों के तीनों ये स्ट्राइकिंग से रिलेटेड हैं। जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, तो जब टक्कर होती है, वेन एवर देर इज़ अ कोलिजन, जब कभी भी टक्कर होती है, तो ये हम इन 3 वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। द कोबरा स्ट्रक द क्रो, हिज स्नाउट थडेड अगेंस्ट हिज बॉडी। कोबरा ने जब कौवे को स्ट्रक किया, उसको मारा, तो मैंने आपको बताया था स्नाउट क्या होता है, माउथ वाला एरिया, माउथ या नाक वाला एरिया। तो स्नेक
के स्नाउट ने थड किया, थड का मतलब यहाँ पे आवाज़ है, थडिंग। तो जब कौवे की बॉडी और कोबरा की बॉडी आपस में टकराई तो कैसी आवाज़ आई, थडिंग की आवाज़ आई। द क्रो एंड द मायना कोलाइडेड इन मिड एयर, कोलाइडेड का मतलब टकराना, कोलैप्स करना, टकराना। तो जो कौवा था, मायना था, जब वो झपट्टा मार रहे थे कोबरा के ऊपर तो वो दोनों आपस में टकराए, COLLIDED, कोलाइडेड। नेक्स्ट इज द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक बट बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, जब दोनों चिड़िया स्नेक के ऊपर डाइव किया, झपट्टा मारने की कोशिश की, तो क्रो और मायना एक दूसरे से टकराए, बम्प्ड, BUMPED, बम्प्ड। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू कंपेयर दीज पिक्चर्स एंड वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस। सो जेबा, रूबी एंड रानी, इनका हाइट गिवन है, तो हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे बेटा, जीबा एंड रानी आर टॉलर देन रूबी, जो जीबा और रानी हैं वो रूबी से टॉलर हैं। जीबा इज़ एज टॉल एज रानी, और जीबा उतनी लंबी है जितनी की रानी। नाउ हेयर विजय, अक्षय एंड अनवर, सो इनका हमें वेट गिवन है, हम इनको कंपेयर करते हैं। सो विजय एंड अक्षय सेम वेट है और अनवर इनसे ज़्यादा वेट का है, तो हम करेंगे अनवर इज स्ट्रॉन्गर दैन विजय एंड अक्षय, अनवर विजय और अक्षय से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। विजय इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, और विजय उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि अक्षय। सो नाउ हेयर शिमला, गैंगटॉक एंड श्रीनगर, एंड टेम्परेचर इज गिवन, सो हम इन्हें कंपेयर करते हैं। श्रीनगर इज़ कोल्डर दैन शिमला एंड गैंगटॉक, श्रीनगर जो है वो शिमला और गैंगटॉक से बहुत ज़्यादा ठंडा है। शिमला इज़ एज कोल्ड एज गैंगटॉक, और शिमला उतना ठंडा है जितना कि गैंगटॉक। सो हेयर थ्री पेंसिल्स आर गिवन, रोमिस पेंसिल 3 inches, मोनास पेंसिल 5 inch, एंड राजास पेंसिल 3 inches। सो रोमी एंड राजास पेंसिल्स आर शॉर्टर दैन मोनास, रोमी और राजा की पेंसिल मोना की पेंसिल से शॉर्टर हैं। रोमिस पेंसिल इज़ एज शॉर्ट एज राजास, रोमी की पेंसिल उतनी छोटी है जितनी की राजा की। सो नाउ दिल्ली, चेन्नई एंड नागपुर सिटीज़ आर गिवन एंड देयर टेम्परेचर, सो दिल्ली 43, चेन्नई 39 एंड नागपुर 43 अगेन। सो दिल्ली एंड नागपुर आर हॉटर देन चेन्नई, दिल्ली और नागपुर चेन्नई से ज़्यादा गर्म हैं। दिल्ली इज़ एज हॉट एज नागपुर, और दिल्ली उतनी गर्म है जितनी गर्म की नागपुर शहर। सो दिस वी हैव कंपेयर्ड। So I hope you have understood exercise. One part is left that I will cover with word meaning and question answers. If you like the video, share it. Thank you. Stay blessed. Stay safe.